नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़ मैम संदीप के साथ। आज हम आपको लेके आए हैं अहमदाबाद के अनाज मंडी में, जहाँ पे दीपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो रैली का मुद्दा है वो बहुत ही ज़्यादा है। अभी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है हमारे बीच थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। चलिए दिखाते हैं आपको रैली के। Yeah!
के खिलाफ अपना चाहिए हो चाहे लोकदल वाले हो, आज मैं हैदराबाद में आया हूँ। ये अभय चौटाला जी का भी यहाँ पे हल्का ये सफल कार्यकर्ता आयोजन भरत सिंह बेनीवाल जी को बधाई देता हूँ। ये एक कार्यकर्ता मीटिंग ना होकर एक जनसभा का रूप आपने स्वयं देखा, लोगों का बहुत जोश दिखाई दिया, एक संकेत है। जहाँ हम कार्यक्रम हमारे हो रहे हैं वहाँ चाय और कार्यकर्ता मीटिंग रैलियों में बदल गए हैं। भाजपा के की रैलियाँ भी जो है वो चाय टाइप में हो रही है, फीकी हो रही है। आपने देखा जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की रैली हुई थी उस समय भी किस तरह की बात है। ये संकेत है कि लोगों का विश्वास बीजेपी सरकार से उठा, वो बीजेपी सरकार से पीछे हटे हैं और वो कांग्रेस की तरफ हुड्डा साहब की तरफ एक आशा की किरण से नज़र से देखते हैं। ये आज और मैं जहाँ तक इलाहाबाद हलके की बात है, इलाहाबाद हलके में निसंदेह मैं समझता हूँ कि लोग ये मान रहे हैं कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो सफल नहीं रहे यहाँ के समस्याओं का समाधान करने के लिए, और इलाहाबाद के लोग बदलाव चाहते हैं। और भरत सिंह बेनीवाल जी के जो आज आशीर्वाद लोगों ने दिया यहाँ इलाहाबाद के लोगों ने, मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ भरत सिंह जी को अपनी तरफ से। ये एक बड़ा अच्छा भविष्य के लिए बहुत ज़बरदस्त संकेत लोगों ने आज इस रैली में, रिकॉर्ड तोड़ रैली में, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की रिकॉर्ड तोड़ रैली में करके दिखाया। सर जो इसका जन क्रांति यात्रा हुड्डा साहब की जो चौथा चरण है वो 22 जुलाई को फतेहाबाद टोहाना के अंदर 22 जुलाई को प्रवेश करेगी टोहाना जिले में, फतेहाबाद जिले में टोहाना के अंदर जनसभा के माध्यम से। और उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी करेंगे जुलाई 22 तक अच्छे से तैयारी, बाकी सारे पूरे आसपास के हिसार फतेहाबाद हिस्सा। और एक बड़ी उस दिन जनसभा के रूप में हम एक बड़ी जनसभा के रूप में जब फतेहाबाद आगमन होगा टोहाना में एक, क्योंकि हरियाणा के तीन कोनों में जबरदस्त जनसभा है या एक बड़ी उस रैली को समर्थन मिला है। होटल की बात हो चाहे वो बात संभाल का पानीपत की हो और चाहे अब मेवात के अंदर होने जा रही है 30 तारीख, तो यहाँ मैं समझता हूँ कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र के अंदर ये जो रैली जब पहुँचेगी जन क्रांति रैली, तो उसको जो समर्थन मिलेगा मैं समझता हूँ वो काफ़ी हद तक हरियाणा की राजनीति में निर्णायक साबित होगा। और हम लोग सारे मेहनत करेंगे कि उसको कामयाब करें। सर इलाहाबाद जो अनाजों का गढ़ माना जाता है, किस तरह का महसूस हुआ आज? ये आप देख लो, मेरे को तो आज ये जो है कोई इनेलो का गढ़ नहीं दिखाई दे रहा, मेरे को तो आज ये हुड्डा साहब का और भरत सिंह बेनीवाल जी का गढ़ दिखाई दे रहा है। आज देखो आप।